शौविक, कहाँ हो तुम? शिवानी, पकड़ लिया। तू भूल गई क्या? आज शौविक का जन्मदिन, ओके सरप्राइज भी तो दीते होबे ना कि? हैप्पी बर्थडे। तुम दोनों का भाईचारा, प्यार मोहब्बत हो गया तब हम चले। हे भोलेनाथ, मैं चाहती हूँ शौविक को आज उसके जन्मदिन पर नागमणि का आशीर्वाद मिले। शिवाली, यार पानी भी नहीं है, रुको मैं भर के लाता हूँ। शौविक, शौविक तुम अभी कहीं मत जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। भोलेनाथ जी पे भरोसा रखो, मैं यूं गया और यूं आया। शौविक, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? शिवाली, ये जगह खतरे से खाली नहीं है, हमें जल्दी से घर लौटना पड़ेगा। मिनरल वाटर तो जंगल में मिलने से रहा। काल नाग से मिलके कैसा लगा शौविक? अरे नहीं नहीं, अब तो ये मेरा नाम है। कौन है तू और क्या चाहता है? बोला ना मैं काल नाग हूं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस तेरी प्रेमिका, उस मनुष्य रूपी नागिन शिवाली से संभोग करके अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता हूं। बस शिवाली की तरफ अपनी गंदी नजर उठा के देखा भी ना तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपनी हालत तो देख, कैसे मकड़ी के जाली में फंसे कीट की तरह सिसक रहा है और बोल रहा है कि मेरे टुकड़े करेगा। मैं तुझे अभी इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि अगर तुझे मार दिया तो मैं तेरे रूप में नहीं रह पाऊंगा। कालनाग बस जिंदा लोगों का ही रूप ले सकता है, वरना मैं तुझे अभी इसी वक्त कच्चा चबा जाता। वैसे भी सदियों से भूखा हूं मैं। वैसे मैंने तेरा माथा चुके तेरी सारी यादें भी ले ली है, तो अब तेरे अपनों के लिए भी ये जानना नामुमकिन होगा कि मैं असल में शौविक नहीं, काल नाग हूँ। चल अब मैं चलता हूँ, वहां मेरी शिवाली मेरा इंतजार कर रही होगी और तू यही पे सरदार है।
शौविक अब तो बताओ कि तुम घर लौटने के लिए अचानक कितने बेचैन क्यों हो रहे थे? हाँ, मैंने सोचा था आप उल्टा लेट करना चाहोगे, पर आपने ही लौटने में इतनी जल्दबाजी कर दी। ऐसा क्या हुआ था जंगल में? अरे कितने सवाल करते ये दोनों, मन तो कर रहा है इन दोनों को अभी यही निकल जाओ। अरे ब्रो बोलो ना, क्या हुआ था जंगल में? जंगल में मुझे मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही थी। क्या? What? Seriously? मतलब ये बोलने के लिए आप इतना सारा बिल्डअप क्रिएट कर रहे थे? तुम्हें पता है मैं क्या क्या सोचने लग गई थी? भूख लगने पर कोई इंसान ऐसे रिएक्ट करता है क्या? तो इंसान थोड़ी ना हूँ मैं। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, शायद पेट से आवाज आ रही थी। क्या? इससे ना बात ही मत करो तुम। वैसे मासी और महक कब गए? वो दोनों तो कब के चले गए, और पता है मैंने कितना सारा खाना ऑर्डर किया था उन दोनों के लिए। बहुत सारा खाना? हाँ, बट उन दोनों ने तो कुछ खाया ही नहीं, तो सारा खाना मुझे ही खाना पड़ा। क्या? मेरे लिए कुछ नहीं रखा? मतलब हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा? अरे चिल ब्रो, आप इतना फ्रीक आउट क्यों हो रहे हो? मैं मजाक कर रहा था, खाना है, मैं लेके आता हूँ, एक मिनट रुको। उज्जल सुनो ना, वैसे भी मैं बहुत थकी हुई हूँ और सुबह से कुछ खाया नहीं है। अभी ये सब मसालेदार चीजें खाऊंगी तो एसिडिटी वगैरह हो सकता है, इसीलिए अभी मैं चलती हूँ, तुम लोग खाना एंजॉय करो। अरे आज के दिन आप बिना कुछ खाए कैसे जा सकती हो? हाँ शिवाली, थोड़ी देर रुक जाओ ना। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो, अभी रात हो चुकी है, मासी घर में अकेली है। आप दोनों बस दो मिनट रुको, मैं अभी खाना गर्म करके लाया। आज मेरा जन्मदिन है, तो एक छोटा सा तोहफा मांगना तो बनता है। आज रात यहीं पे रुक जाना मेरे साथ। आ गया खाना? ना 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 ना, ना। मैंने कुछ नहीं देखा। ऐसे ब्रो आपको भूख खाने की लगी थी ना? क्या बोल रहे हो उज्जल? ब्रो एक कड़वा सच बताऊं? क्या? आज की रात आपको उनके साथ नहीं, मेरे साथ बितानी पड़ेगी। अरे धीरे, अब ऐसा क्या कह दिया मैंने? तेरे साथ रात बिताने से तो यही अच्छा है कि मैं अपना ही जहर पी के मर जाऊं। शौविक तुम्हें हो क्या गया है? कब से देख रहे हो कि अजीब बर्ताव कर रहे हो तुम? सच सच बताओ तो, आप मेरे ही ब्रो हो या उनके भेस में कोई और? चलो चलो खाना खाते आप लो ना। हाँ शिवाली थोड़ा सा खा लो। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, ठीक है अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा, मैं चलती हूँ, ठीक है? ये क्या हो रहा है? शौविक के छूने से मेरा नाक रुक क्यों वापस आ रहा है? कल मिलोगी ना? हाँ क्यों नहीं मिलेंगे? काल ना खुद को संभाल, वरना अब ये दोनों सच में शक करने लगेंगे। मैं चलती हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो अपना नागरूप त्याग कर दिया था। हे भोलेनाथ, कृपया मुझे मेरी नागरूप त्याग करने की आज्ञा दे। अब मैं एक इंसान बनके मेरे अपनों के साथ जीना चाहती हूँ।
शौविक के करीब आने से मुझ में ये बदलाव क्यों आ रहा था? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हे शिव शंभु, रक्षा करना। अरे यार, मैं तो शिवाली को फ्राइडेस देना ही भूल गया। मैं आपके लिए लेके आता हूँ। अच्छा हो मासी और महक चले गए, अब हमारे पास इतना सारा। महादेव, ये कैसा खेल है किस्मत का? एक पल में मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई? वो शैतान मेरा ही रूप लेके मेरे ही अपनों के बीच रह रहा है। क्या पता अभी वो कौन सा नया खेल रच रहा होगा। समय किसी के लिए नहीं ठहरता, तेरे लिए भी नहीं ठहरेगा कालनाग। तुझे अगर उस शिवाली से संभोग करना है तो आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि तू इस शौविक के शरीर में सिर्फ तब तक रह पाएगा जब तक वो जीवित है, और उस घने जंगल में बिना खाए पिए वो तुच्छे इंसान कब तक ही जीवित रह पाएगा। हे भोलेनाथ, अब हम सबको इस मुसीबत से एक आप ही निकाल सकते हो। इस मौत के अंधेरे को अपने आशीष के उजाले से मिटा दो भोलेनाथ, मिटा दो। महादेव, आज आपने साबित कर ही दिया कि प्यार और भक्ति से बड़ी कोई भी शक्ति नहीं होती। ये हमेशा पहन के रखना, ऐसे भोलेनाथ जी हमेशा तुम्हारा शक्ति थकते। हे भोलेनाथ, मैं चाहती हूँ शौविक को आज उसके जन्मदिन पर नागमणि का आशीर्वाद मिले। अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दे कालनाग। तूने अपनी पापी आंखों से मेरी शिवाली पे नजर डाला था ना, अब तेरी उन्हीं आंखों में मैं खून के आंसू लाऊंगा, और मेरे अपनों को कोई भी तकलीफ पहुंचाने से पहले मैं इस दुनिया से तेरी हस्ती मिटा दूंगा। रुको बालक,
आज सुबह सुबह इतना ज्यादा धूप, लगता है भोलेनाथ जी आज किसी पे कुछ ज्यादा ही कृपा बरसा रहे। वैसे कल इतना लेट सो के ब्रो आज इतनी जल्दी तो नहीं उठने वाले। एक काम करता हूँ, उनके आने से पहले अपना प्री ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो पिछली बार की तरह। छोटे क्या कर रहा है, दिखा क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं ब्रो, मोबाइल है, मोबाइल है ना। ये तेरा मोबाइल बहुत बड़ा हो गया है। सॉरी ब्रो, अब से नहीं पीऊंगा, पक्का प्रॉमिस। तुझे अच्छी तरीके से पता है कि मुझे इन सब चीजों से कितनी नफरत है, और मेरा भाई हो बोला ना ब्रो अब से नहीं पीऊंगा। ये देखो मैं कान भी पकड़ता हूँ। ये सब नाटक मत कर मेरे सामने ब्रो, प्लीज गुस्सा मत करो ना, मैं अब से पक्का नहीं पीऊंगा, मतलब एटलीस्ट आपके सामने तो कभी नहीं। नहीं भाई, इस बार टप्पर पर नहीं खाना, जल्दी से अपना काम उठा लेता हूँ। ये साला जल क्यों नहीं रहा, लगता है हवा की वजह से। उधर जाके चलाता हूँ। ब्रो कैसे खाते हैं इसे? इसे खाते नहीं, पीते हैं। ब्रो क्या कर रहे हो आप, पागल हो गए हो क्या? आपको तो सिगरेट से नफरत थी ना। काल ना क्या कर रहा है तू, अपनी उत्सुकता को इसके संदेह का कारण मत बनने दे। अरे नफरत तो अभी भी मैं से करता हूँ, पर सोचा एक बार खुद खा लूँ, मतलब पी लूँ, तो शायद अच्छा लगने लग जाए। ये कैसी बातें कर रहे हो आप, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ब्रो आपका शरीर इतना ठंडा क्यों है? ऐसा ठंडा शरीर तो इंसानों का नहीं, सांपों का होता है। हैरान मत हो, हमने ही तुम्हें पुकारा है। एक पेड़ बात कैसे कर सकता है? मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मुझ में दिव्य शक्तियों का वरदान है। पर आप हो कौन? मेरा परिचय यही है कि मैं इस जंगल का सबसे प्राचीन पेड़ हूँ, और इसीलिए यहाँ सब मुझे बरगद गुरु बुलाते हैं। सब मतलब? सब यानी इस जंगल के सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सब हमें इसी नाम से बुलाते हैं। तुम्हें ये जान के अद्भुत लग रहा होगा, पर हम पेड़ पौधे जीव जंतुओं की भी अपनी भाषा होती है, जिसके जरिए हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। ये पूरा जंगल मेरा संसार है, और मैं इस संसार का प्रौढ़ पिता। अच्छा बरगद गुरु जी, पर आपने मुझे ऐसे बुलाया क्यों? आपको शायद पता नहीं, पर इस वक्त मेरा घर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक शैतान मेरा रूप लेके मेरे ही अपनों के बीच रह रहा है, और मुझे किसी भी हालत में उससे लड़के मेरे अपनों को बचाना पड़ेगा। तुम्हारे साथ यहाँ क्या क्या हुआ हम सब जानते हैं, और यह भी जानते हैं कि तुम्हारा दुश्मन कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि प्राचीन युग का महादानव काल नाग है। सुबह को मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने उठ के नहा लिया, इसीलिए शरीर इतना ठंडा हो गया शायद। पर आपको देख के लग नहीं रहा कि आप नहाए हो, जहां तक मुझे याद है आप रात को इन्हीं कपड़ों में सोए थे। अरे तो झूठ थोड़े ही बोलूंगा मैं, कपड़े तो मैं बदल नहीं जा रहा था, पर नहाने के बाद सर्दी लग रही थी तो थोड़ा धूप सेकने आ गया। अब वैसे भी अभी मुझे जाके तैयार होना है। तैयार होने कहीं जा रहे हो क्या आप? हाँ शिवाली से मिलने, उसके घर। अब एक भी दिन रहा नहीं जा रहा उसके बिना, मतलब रोज रोज मिलन। मिलन? I mean, मिलना रोज रोज मिलना। वैसे वो घर में तो होगी ना,
हाँ गर्मी ही होनी चाहिए, और वैसे भी आज संडे है और इतनी सुबह सुबह होम डिलीवरी के ऑर्डर्स भी नहीं आते, तो आई गेस घर में ही होगी। और वो क्या नाम है, मासी? मासी ने तो भी हाल ही में योगा क्लासेस ज्वाइन किया है, तो उनका योगा क्लास 9:30 बजे तक चलता है। अभी तो 8:15 बज रहे, मतलब उनके आने में अभी 1.5 घंटा है। 1 घंटा काफी है मेरे काम के लिए। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, चल फिर मैं जाके तैयार हो जाता हूँ। जाओ जाओ मजे करो, मेरा क्या है। मजा तो आज सच में आने वाला है, बस एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए फिर तुम सबको भी मिलेगा मौत का असली मजा। हेलो, आज एक बार मिलना था तुमसे, कुछ जरूरी बात करनी थी। नहीं नहीं फोन पे नहीं बता सकता, तुम सामने आओ तभी बताऊंगा। कालनाग जैसे प्राचीन और महाशक्तिशाली शैतान से लड़ना कोई साधारण बात नहीं है। उसका सामना करने के लिए उसी के जैसे अद्भुत और अलौकिक शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। और अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो ऐसी कोई भी शक्तियां नहीं है, फिर मैं उस प्राचीन दानव का सामना कैसे करूं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। कालनाग का सामना करने के लिए तुम्हें कौन कौन सी तिलस्मी शक्तियां चाहिए और वो तुम्हें कहां पर मिलेंगी, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा। कहा हो मेरी अप्सरा, आज तो हमारा मिलन होके रहेगा। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा चिंता शिवाली की हो रही है, अभी तो उसके पास नागमणि की शक्तियाँ भी नहीं है। अरे हो क्या गया है तुम्हें, तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अभी कितना कुछ बदल चुका है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे जाने दो वरना। वरना क्या,